दोस्तों, यदि आप छोटी हाइट से परेशान हैं, आपको छोटी हाइट है, आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है और आप लंबाई बढ़ाने की बहुत यत्न कर सकते हैं और लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत सारे यत्न कर भी रहे हैं, तो दोस्तों आपको मैं कुछ ऐसे यत्न बताएंगे, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपकी लंबाई बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। बढ़ती हुई उम्र में दोस्तों क्या है कि लंबाई का बढ़ना एक स्वाभाविक है और जब लंबाई नहीं बढ़ती है तो उसमें क्या है, न्यूट्रिशनल हम खाना नहीं खा पाते हैं, प्रॉपरली प्रोटीन वगैरह नहीं खा पाते हैं, उसकी वजह से हमारी लंबाई और ग्रोथ रुक जाती है और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें लंबाई हमारी रुक जाती है। अब दोस्तों क्या है, हमें लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी चीज खानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज पीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश, आप देख रहे हैं ग्लांसिंग डे चैनल। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी लंबाई में आपकी नहीं बढ़ती तो आप एक उस समाज में अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से लंबाई नहीं बढ़ती है। तो लंबाई बढ़ाने के लिए मैं आपको टिप्स देता हूं। जैसे दोस्तों क्या है कि लटकने वाले एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज क्या है, आप जब भी लटकने वाली करते हैं तो दोस्तों आप पेड़ पर लटक सकते हैं या कोई घर में लकड़ी वाला स्टैंड बना सकते हैं। मान लीजिए जहां कुंदे में कोई ऐसी चीज फंसा के लटक सकते हैं और लटकने के लिए और भी आते हैं, जिससे क्या है लटकेंगे आप, आपकी बोन्स के अंदर जो है काफी इंप्रूवमेंट होगा और उससे जो है लंबाई बढ़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जब भी आपके मिल्क का सेवन करते हैं तो मिल्क के अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और कैल्शियम जब सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों होता है तो कैल्शियम जो है हमारे शरीर के अंदर फायदेमंद होता है और लंबाई बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। तो जब भी आप जो है लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों आप पूरी गहरी नींद लीजिए। हर व्यक्ति को, एक नौजवान व्यक्ति को 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है। दोस्तों इस बीच में यदि वो कम अपनी नींद रखता है तो उससे क्या है, उसकी ग्रोथ पे हार्मोनल इंक्रीज नहीं हो पाते हैं और आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब भी आप लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका वो है सबसे अहम रोल होता है उसमें, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए लंबाई बढ़ाने के लिए जो आइटम्स आते हैं वो खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, मिल्क का सेवन कर सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, कैल्शियम का सेवन भी कर सकते हैं। हेल्दी दोस्तों, हेल्दी फूड का खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप हेल्दी फूड का सेवन करते हैं, हेल्दी फूड डाइट सप्लीमेंट लेते हैं तो दोस्तों उसकी लंबाई आप जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे होते हैं और जब भी आप इंक्रीज कर रहे होते हैं, लंबाई इंक्रीज होती है तो शरीर में कहीं कहीं लंबाई आपकी बढ़ती है। हेल्दी फूड और डाइट खाने से शरीर के अंदर से काफी तेजी से बदलाव आता है और काफी तेजी से जो है आपके शरीर में लंबाई बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्या है, जब भी आप लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नशीली चीजों से दूर रहें। दोस्तों तंबाकू है आपका, शराब का सेवन है या कोई आपका बीड़ी गुटखा तंबाकू पान मसाला से संबंधित जो भी आपकी चीज है वो दोस्तों अवॉइड कीजिए। दोस्तों यदि इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो आपको तुरंत लंबाई बढ़ाने में आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। तो आहार में बहुत अच्छा फ्रूट्स खाएं, लंबाई बढ़ाने वाली चीजें खाएं, जूस का इस्तेमाल खूब करें, कैल्शियम का इस्तेमाल खूब करें, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी, B2, B6, B12, E, D, A, B, ये सब विटामिन का इस्तेमाल करते रहें और मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों आपको इससे संबंधित आप कोई परेशानी करते हो और डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।